प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की, खुदावंद आप सबको आशीष दे। तो आज हम संगरूर जिला से ये घोड़े नाव गांव है जो 50 किलोमीटर दूर है संगरूर जिला से भी, और जहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला, और ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रास्ता कैसे खोला, क्योंकि ये जो भाई है घोड़े नाव में संगरूर से 50 किलोमीटर दूर, ये अपनी प्रार्थना में अपने वंशों के श्रापों को, बंधनों को तोड़ने की प्रार्थना कर रहे थे। और एक दिन हमारी वीडियो सामने आ गई और इन्होंने जब सुना कि परमेश्वर तो वंशों के श्रापों को यीशु को क्रूस पर देकर वो तोड़ चुका है, तो इन्होंने कहा हम तो 7 साल से ये प्रार्थना कर रहे हैं वंशों के श्रापों को तोड़नी है। इसलिए इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री में फिर कॉल की, हमने समझाया और बताया, और आज परमेश्वर ने ये संगरूर जिला घोड़े नाव में भी अपना रास्ता खोल दिया है। और मेरी आशा है कि इस यूट्यूब के माध्यम के राही जो लोग भी इस मैसेज को, इस वीडियो को सुने, यहाँ पे भी बैठे हैं किसी भी स्टेट में, शहर में, कंट्री में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से कुछ लोग सिविक ये प्रचार भी ऐसे करते हैं जैसे वंशों के श्रापों के लिए, और परमेश्वर हमारी परीक्षाएं लेता है। वे लोग क्या है, परमेश्वर हमारी परीक्षाएं लेता है, क्योंकि जब यकूब की आप पत्री पढ़ते हो तो वहां पे यकूब कहता है कि परमेश्वर ना किसी की आप परीक्षा लेता ना वो किसी बुरी बातों से वो लेता है। लिखा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर वो पाप को, मतलब हालात को अपनी अभिलाषा के कारण पैदा करता है, और लिखा जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। तो उन्होंने भी ये बातें समझी, और थोड़े दिनों में एक बहन पाकिस्तान में थी, उसने हमारी वीडियो को सुना, और जब सुना तो जो हम पॉजिटिव विश्वास के, फेथ के बारे बताते हैं, पॉजिटिव प्रेयर के बारे बताते हैं, जैसे यीशु मसीह ने चेलों को ये ऐसे कहा मरकुस 11 की 22-23-24 में, इस पहाड़ को कहो जहां से उखड़ और समुन्द्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करना, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति करना, विश्वास करना, तुम्हारे लिए हो चुका है। तो उसी तरह से हम लोगों को सिखाते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करते हो तो ये नहीं कहना प्रभु करो 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 करो, रोज रोज नहीं कहना। अगर आपका कोई भी हालात है, कोई रोग है, बीमारी है, तो आपने रोज नहीं कहना प्रभु चंगा करो चंगा करो, दया करो, मुझे हील करो, क्योंकि वो सब कुछ पूरा कर चुका है। बोलो क्या है, वो सब कुछ आपको बरकत चाहिए आपको, तो आपने रोज धन्यवाद करना मुझे मिल चुकी है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप रेंट पे हो, आपके पास बेबी नहीं है, ये ऐसे धन्यवाद करो रोज। मांगने के बाद ऐसे धन्यवाद करना है कि ये हो चुका है। अगर रोग है ये जा चुकी है, रसौली पत्री कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा चुकी है, अगर ब्लेसिंग चाहिए तो ये मिल चुकी, ऐसे प्रार्थना करना है। इसे बोलते पॉजिटिव प्रेयर। ओके, तो उस पाकिस्तान वाली बहन ने जब इस पॉजिटिव मरी इस बातों को फिर को सुना, तो जब उसकी कॉल आई तो हमने उसे ऐसे बताया कि हमारी टीम ने कि अब मांगने के बाद धन्यवाद करना है कि मिल चुका। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, वो ऐसे उसे सिंगिंग का शौक था और वो प्रभु का कोई गीत रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर उनके देश के जो भी रिकॉर्डर हैं उनसे पैसा ज्यादा मांग रहे थे, उसका इंतजाम नहीं हो रहा था। पर जैसे उसने इस प्रार्थना को करना सीखा और धन्यवाद दिया, उन्होंने बताया कि उसी दिन मुझे कॉल आ गई कि आप इतने पैसों में ही आ जाओ, हम कर देंगे रिकॉर्ड। और कल ही अगले दिन ही उसका गीत रिकॉर्ड हो गया सिस्टर का, और कितनी जल्दी परमेश्वर ने उसे रिजल्ट दे दिया। बोलो क्या है, कितनी जल्दी रिजल्ट दे दिया है। अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर हमारे कामों, हमारे जीवन में बड़े कामों को प्रकट करे, तो आज से इस परमेश्वर के सही फेथ के नियम को, सही प्रार्थना के नियम को आप भी करना शुरू करो। देखना परमेश्वर कैसे रस्तों को खोलता है। जैसे परमेश्वर ने संगरूर जिला ये घोड़े नाव में जो 50 किलोमीटर दूर है खोल दिया है, और आने वाले दिनों में तो परमेश्वर उस एरिया में बहुत लोगों को प्रभु चुनकर अपनी
उस वचन को, अपनी बातों को अति तेज वेग से फैला चुका है, मेरा विश्वास है। तो अभी तो मेरी बड़ी तेज चाहत है कि इस YouTube के माध्यम के राही परमेश्वर जितने भी अदर स्टेटों में, शहरों में, कंट्रियों में लोग बैठे हैं, परमेश्वर इस शिक्षा को पृथ्वी की शोर तक फैला चुका है। बोलो क्या है, परमेश्वर इस शिक्षा को पृथ्वी की शोर तक फैला चुका है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी आप सालों से विश्वास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। तो मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे और प्रभु ने बड़ी बरकत देगा, क्योंकि प्रभु ने ऐसे मेरे मन में लगाया कि एक आपके लिए मैं इस वीडियो को बनाऊं, तो निश्चय प्रभु आपको इस वीडियो से बड़ी आशीष दे चुके हैं। ओके, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाएं। यस खुदावन, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जितने लोग इस मैसेज को सुने, तेरी फेथ के सही नियम को जाने, और खुदा ये तेरी ओर से है जो फेथ का नियम, प्रार्थना का सही नियम, क्योंकि परमेश्वर हम पापी नहीं है, तुम्हारे हमारे पाप तूने क्षमा कर दिए है। इसलिए खुदावन जितने लोग इस मैसेज को सुने, इस प्रार्थना को रिसीव करें खुदावन, आज से उनकी जिंदगियों से हर तरह के हालात बंधन टूट जाए, तेरे जीवत नाम से खुदा टूट जाए, कोई रसौली पत्री किसी भी तरह का हालात क्यों नहीं है। यस, आपने इसी रीति से धन्यवाद करना है, चाह चुका है। यस प्रभु, मैं कमांड करता हूं उनकी जिंदगियों से, उनके घराने से, परिवार से खुदा तू दूर कर चुका है। यस प्रभु, तू दूर कर चुका खुदा, क्योंकि तूने कहा है, मैं सब कुछ, जब तेरा क्रूस पर जब प्रभु आपका प्राण निकला, तो आपने कहा इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हो चुका है। यस खुदा, उसी रीति से तूने चेलों को कहा, मांगने के बाद प्रतीति कर लो, ये हो चुका राइट नाउ। आज से अपने फेथ करना है, आपकी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम से चली जाए, सामर्थ्य नाम से चली जाए, सामर्थ्य नाम से चले जाए। यस, अपने जहां पे भी जब आप ये प्रार्थना सुनना, हाथ रखना राइट नाउ, हाथ रखना राइट नाउ, खुदाबंद तेरी सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूं, जहां पे भी जो प्रॉब्लम है खुदाबंद चली जाए, तेरे जीवत नाम से चली जाए, तेरे जीवत नाम से चली जाए, राइट नाउ चली जाए। यस खुदा, किसी भी तरह की भी ब्लेसिंग चाहिए, मैं रिलीज करता हूं खुदा तेरी सामर्थ को, जो तूने सब कुछ पूरा कर दिया, आज खुदा ब्लेसिंग इनकी जिंदगियों में कार्य करे, ब्लेसिंग इनके घरों में, परिवारों में, बिजनेस में, जॉब में, इनके कैरियर में खुदा तेरी ब्लेसिंग काम करे खुदावन, मैं ब्लेस घोषित करता हूं खुदा इस प्रार्थना से खुदा ने तेरी जीवित और पवित्र नाम से, आमीन। ओके, तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मेरा विश्वास है कि जितने भी इस वीडियो को, इस मैसेज को सुनेंगे, प्रभु उनके घरों में बड़ी बरकत देगा। ओके, तो प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।